शशि उमे है, गौरी शशि उमे शक्ति है, ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति संग अभिव्यक्ति है। गौरी शंकर की महिमा ऐसी ही है। शिव जी की महिमा जानने के लिए आज हम दिल्ली से सटे NCR में गाजियाबाद में यहाँ दुधेश्वर मंदिर में प्रांगण में आए हैं। दुधेश्वर नाथ महादेव की महिमा अपरंपार है। दुधेश्वर नाथ शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात स्वयं प्रकट हुए हैं। आज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि को दुधेश्वर नाथ का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। भीतर दुधेश्वर नाथ शिवलिंग की भी विशेष श्रृंगार की गई है और आरती का पूरा दर्शन आपको कराएंगे। साथ ही महंत जी आपको बताएंगे कि इस मंदिर की पौराणिक महत्व क्या है। वास्तव में इस मंदिर का पौराणिक महत्व रावण काल से जुड़ा है। ऐसा मानना जाता है कि रावण ने यहाँ शिव जी की बड़ी घनघोर तपस्या की है और रावण से भी पहले रावण के पिता ऋषि विश्रवा ने बड़ी कठोर तप करके शिव जी को प्रसन्न किया है। कालांतर में यहाँ अनेक गायें चरने आया करती थी और गाय टीले पर एक जगह लगातार दूध सिंचन करती थी। जब ग्राम के वासियों ने ऐसा देखा तो उनमें उत्सुकता उत्पन्न हुई। गाँव वासियों ने उस टीले की खुदाई की तो वहां पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। तब ग्रामवासियों ने उस शिवलिंग की यहाँ स्थापना की। गायों के द्वारा दूध से सिंचित होने के कारण इनका नाम दुधेश्वर महादेव पड़ा। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर के समान गोरे हैं, जिनके हृदय में पार्वती जी विराजमान हैं, जिनके गले में सांपों की माला है, जो समस्त संसार का पालन करते हैं, वही शिव जी को पार्वती जी के साथ प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर की महिमा कुछ ऐसे ही है। पुलस्त्य ऋषि कुल के पुत्र श्री ऋषि विश्रवा जी और ऋषि विश्रवा के पुत्र रावण जी ने यहाँ पर विशेष तपस्या की है। ये शिवलिंग जिन्हें दुधेश्वर नाथ महादेव का नाम दिया गया है, ऋषि विश्रवा के द्वारा स्थापित था। कालांतर में यह लुप्त हो गया। जब तक ऋषि विश्रवा रहे, उन्होंने यहीं पर पूजा की, तपस्या की, यज्ञ किया, हवन किया। इस शिवलिंग की विशेष मान्यता है। श्रावण मास और शिवरात्रि के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है और पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पर जो शिव कृपा चाहते हैं वे लगातार 40 दिनों तक शिव जी की कृपा पाने के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं, पूजन करने आते हैं, ऐसी मान्यता है। और सामान्यतः देखा गया है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में जो भी श्रद्धालु सच्ची मन से सच्ची मनोकामना को अपने शिव जी के समक्ष व्यक्त करता है, उसकी मनोकामना भूत भावन पार्वती नाथ दुधेश्वर महादेव जरूर पूरी करते हैं। दुधेश्वर महादेव की इस मंदिर का जीर्णोद्धार छत्रपति शिवाजी ने कराया है। ऋषि विश्रवा द्वारा स्थापित यह शिवलिंग कालांतर में लुप्त हो गया था। 564 वर्ष पहले की बात है। यह गाजियाबाद में यह स्थान एक टीला हुआ करता था। यहाँ पर गायें चरने आया करती थी। तब लोगों ने देखा कि इस एक स्थान पर आकर गौवें स्वतः ही दूध गिराने लगती थी। जब ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला तो ग्रामीणों में विशेष कौतूहल हुई। आखिर क्या बात है कि एक जगह पर गौवें आकर लगातार दूध गिराती हैं। ग्रामीणों ने उत्सुकतावश उस स्थान की खुदाई की और वहां पर प्रकट हुए दुधेश्वर नाथ महादेव। गौवें वहां दूध गिराती थी, इसलिए उस शिवलिंग का नाम दुधेश्वर नाथ महादेव पड़ा। और यहाँ पर दुधेश्वर नाथ मंदिर को पुनर्स्थापित किया गया और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मंदिर के जीर्णोद्धार में छत्रपति शिवाजी ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज दूर दूर से देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं और दुधेश्वर नाथ महादेव की कृपा से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, अपने जीवन की बाधाओं को हटाते हैं और जीवन कृत कृत और धन्य करते हैं। मंदिर के मुख्य में सामने यहाँ पर नंदी महाराज बैठे हुए हैं, जो शिव जी के सबसे प्रमुख गण हैं। शिव जी की कृपा पाने के लिए नंदी महाराज के सामने मस्तक झुकाना बहुत जरूरी होता है। मंदिर का भीतरी प्रांगण बहुत ही भव्य, सुंदर और नैनाभिराम है। आप मंदिर के ऊपर
इस गुंबद को देखेंगे तो चारों ओर बड़ी ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। छोटी छोटी मूर्तियों को गढ़ा तो गया ही है, संगमरमर से बनाई गई ये नक्काशी बड़े ही विशिष्ट है। मुख्य द्वार भी एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। पूरा मंदिर बहुत ही भव्य, खूबसूरत और वास्तुकला का नमूना है। मंदिर में पूजा प्रातः 3 बजे प्रारंभ हो जाती है। शिवजी का विशेष अभिषेक, दुग्धाभिषेक करने के बाद श्रृंगार किया जाता है और आरती की जाती है। शिवजी के विशेष भक्त प्रातः 3 बजे से ही मंदिर में हाजिरी लगा देते हैं अपने भोले बाबा का दर्शन पाने के लिए। दुधेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिवजी का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। दुधेश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार यहां पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितना मनमोहक श्रृंगार किया गया है। अब आरती की शुरुआत हो चुकी है, आइए आरती का आनंद ले। Thank you.
त्रिश्वरनाथ मंदिर में शिवलिंग का दर्शन और पूजन करने के बाद मंदिर के भीतर प्रांगण में सभी देवी देवताओं का स्वरूप श्री विग्रह स्थापित है। श्री हनुमान जी, माँ संतोषी, देवी सरस्वती, उमा महेश्वर, माँ कालिका, माँ गायत्री। श्री राम दरबार का श्री विग्रह भी यहाँ स्थापित है। दुधेश्वरनाथ महादेव का आशीर्वाद लेने के बाद सभी श्रद्धालु और भक्तगण मंदिर के भीतर दर्शन अवश्य करते हैं। ईश्वर के रूप अनेक हैं और हर रूप के आगे मस्तक झुकाकर दर्शन करके स्वयं को कृतकृत कर लेना चाहते हैं। राधा कृष्ण का मंदिर है यहाँ पर, फिर से दुर्गा जी का छोटा सा विग्रह है। श्री सत्यनारायण भगवान, ऋषि गौतम, परशुराम भगवान और यहाँ पे मंदिर के प्रमुख महंत हैं श्री शंकराचार्य जी, श्री 108 महंत गौरीगिरी जी, श्री गुरु द्रोणाचार्य जी, माँ बगलामुखी, माँ अन्नपूर्णा और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी मंदिर के भीतरी प्रांगण में स्थापित हैं। मंदिर के भीतरी प्रांगण में एक कुआं भी स्थापित है जिसे पूरी तरीके से अब ढक दिया गया है। इस कुएं का जल बहुत ही मीठा और पवित्र है और यह आज तक जल से परिपूर्ण है। दुधेश्वरनाथ मंदिर के भीतरी प्रांगण में माँ दुर्गा की विशाल मूर्ति है। माँ के 8 हाथ, सिंह पर सवार और सामने महिषासुर। माँ की यह मूर्ति बड़ी ही मनमोहक है और भक्त दुधेश्वरनाथ शिवलिंग के दर्शन पूजन करने के बाद माँ के पास शीश झुकाने जरूर आते हैं। मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर एक भक्त अमर सिंह बैठे हुए हैं। यहाँ पर लगातार 45 वर्षों से प्रत्येक शाम को लगातार 2 घंटे शिव अर्चन होता है। शिव जी के विशेष मंत्र और पाठ, माँ बगलामुखी के विशेष मंत्र और पाठ लगातार यहाँ होते हैं। आप यहाँ पर लगातार कब से शिव जी का पाठ कर रहे हैं? मैं सन 90 से यहाँ चल रहा है ये पाठ, 2-2.5 घंटे का होता है और डेली चलता है। आपकी ऐसी श्रद्धा है, आप लगातार यहाँ पाठ करते हैं? भोले बाबा की कृपा है कि हम लोग यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सभी हमारे लोगों का आते हैं, लोग ग्रुप है, उसी हिसाब से सब होता है। तो आप लोग बारी बारी से इसको लगातार 45 सब लोग आते हैं, एक्स्ट्रा कोई लाना चाहे वो भी अलग से आ जाता है। अच्छा, तो शिव जी के कौन से मंत्रों का विशेष, बगलामुखी माँ का कौन सा पाठ आप लगातार कर रहे हैं? बगलामुखी का जो स्तोत्र है उसका पाठ होता है, जप होता है, हाँ, उधर आरती होती है। माँ बगलामुखी की मूर्ति स्थापित है, वहाँ आरती होती है। मंदिर के प्रांगण में ये धुनी जल रही है और ये 564 वर्षों से लगातार जल रही है। जहाँ पर संत और महात्मा होते हैं वहाँ पर ये धुनी जलती है। इस धुनी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और इसीलिए शिव जी के दुधेश्वरनाथ मंदिर में ये धुनी लगातार चल रही है। मंदिर के समय से ही, जब से ये मंदिर प्रकट हुआ है, जो यहाँ संत महात्मा होते रहे हैं उन्हीं के द्वारा ये अग्नि प्रज्वलित की गई है और 24 घंटे जलती है। विशेष महत्व है इनका, जो भस्मी है धारण करते हैं और जो धारण करते हैं उन्हें विशेष महत्व महसूस होता है। ये जो धुने का जो राख है इसको लोग मस्तक पे धारण करते हैं, तो मस्तक पे धारण करने से क्या फल मिलता है? कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और हाँ, मैंने अनुभव किया है। तो आपने अनुभव किया है कि इसको मस्तक पर धारण करने से लोगों की बीमारियां दूर होती है? तो जो लोग यहाँ श्रद्धालु आते हैं वो इस धुनी की राख को अपने साथ ले जाते हैं? अमूमन यहाँ से राख अपने साथ ले जाते हैं, कई बार पुड़िया में ले जाते हैं, कोई महात्मा भी बैठते हैं यहाँ वो लगाते हैं। मंदिर के भीतर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष झांकी जैसा बनाया गया है। माँ गंगा है, शिव जी का श्री विग्रह है और यहाँ पर ऋषि मुनि है। शिव जी यहाँ पर तपस्या करने की मुद्रा में बैठे हुए हैं। यह बहुत सुंदर झांकी है, नैना भी राम है। दुधेश्वरनाथ मंदिर के मुख्य शिवलिंग के ठीक बाईं ओर यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे समाधि हैं और हर समाधि पर उन संत का नाम अंकित किया गया है। ये समाधि उन संतों की है जो यहाँ पर शिव जी की लगातार तपस्या करते रहे हैं। शिव जी की तपस्या करते हुए ये स्वयं साक्षात शिव ही हो गए हैं, इसीलिए इनकी समाधि के ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। इन सभी संतों में एक विशेषता ये भी है कि इनमें से कई संतों ने जीवित ही समाधि ली है। शिव भक्त ऐसे ही होते हैं, भक्ति और तपस्या करते करते शिव जी में ही लीन हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि समाधि पर भी रोज फूल अर्पण होता है, पूजन होती है, दीपक जलाया जाता है। शिव के समान ही इनकी पूजा अर्चना की जाती है, भोग लगाया जाता है।
शिव जी कैलाश में भी बैठते हैं तो शमशान में भी बैठते हैं, इसलिए ये शमशान विशेष पवित्र है और मंदिर की यही खासियत है। और जो भी श्रद्धालु दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर की पूजन अर्चन करने आता है, शिव जी का दर्शन करता है, दर्शन के बाद समस्त संतों की समाधि पर शीश जरूर नवाता है, क्योंकि ये संत अब शिव के गण हो चुके हैं, शिव की कृपा दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए समस्त भक्तों को शिवार्चन करने के बाद इन संतों को शीश जरूर नवाना चाहिए। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दुधेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में दूसरी तरफ साईं बाबा का मंदिर है। यहाँ पर श्री साईं बाबा का श्री विग्रह स्थापित है, श्रद्धा और सबूरी का उपदेश देने वाले साईं बाबा, जिन्होंने अमीर और गरीब में कभी कोई फर्क नहीं किया, शांत चित्त में हमेशा बैठे रहते हैं और हर आने वाले को आशीर्वाद देते हैं। दुधेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में जो दूसरा मंदिर है वो प्राचीन धुना गद्दी के नाम से है। जूना अखाड़ा के सहायता से महंत नारायण गिरी ने इस मंदिर की स्थापना की है। भीतर शंकर जी तपस्या करते हुए मुद्रा में स्थापित हैं। श्री शिव शंकर जी का विग्रह यहाँ पर है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। समस्त ग्रहों के अधिपति भूत भावन महादेव हैं। दुधेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में नवग्रह मंदिर है, नवग्रह यहाँ स्थापित हैं। नवग्रह के अधिपति महादेव हैं और महादेव की कृपा मिल जाए तो जीवन में सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, और जब जीवन में सभी ग्रह अनुकूल हो जाए तो समस्त बाधाएं कट जाती हैं और व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से चलने लगता है, सफलता मिलने लगती है। मुख्य मंदिर के ऊपर तीन शिखर है और तीनों शिखर के ऊपर कलश और त्रिशूल बनाया गया है। शिव जी के मंदिर की यही निशानी है कि शिखर पर त्रिशूल अवश्य होता है। त्रिशूल शिव जी और दुर्गा माँ का अस्त्र शस्त्र है। दुधेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में ये गौशाला है। इस गौशाला का महत्व कुछ विशेष है। क्यों विशेष है? दुधेश्वरनाथ के नाम से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मान्यता है कि दुधेश्वरनाथ महादेव दूध के कारण ही नाम पड़ा है शिव जी का। प्राचीन टीले पर जब गांवें चरने आती थी तो उनकी दूध स्वतः ही एक जगह पर गिरने लगती थी। ग्रामीणों में जब ये कौतूहल हुआ कि आखिर ऐसा क्या है कि गांवें वहां जाते ही अपने थान से स्वतः दूध गिराने लगती है, तब उस टीले की खुदाई की गई। उसी खुदाई में शिवलिंग साक्षात वहां पे प्रकट दिखे, तब उनका नाम दुधेश्वर महादेव रख दिया गया। क्यों? क्योंकि गौवें वहां पे स्वतः दूध से सिंचन करती थी। उन्हीं गौवंश की परंपरा से यहां पर गौवें आज तक हैं। जिन जो गौवें उस वक्त शिवलिंग का दूध से सिंचन किया करती थी, उन्हीं गौवंश की परंपरा यहाँ पर आज भी है, और आज भी यही परंपरा इस मंदिर में बनी हुई है। ये गायें जो दूध देती हैं उसी दूध से शिवलिंग का दुधेश्वर महादेव को रोज अभिषेक किया जाता है। ये परंपरा 564 वर्षों से लगातार जारी है। ये सभी देसी गायें हैं और इन गायों के पूर्वजों ने ही दुधेश्वर महादेव का अपने दूध से सिंचन किया था, और आज भी इसी कारण इस शिवलिंग का नाम दुधेश्वर महादेव पड़ा, और आज भी उन्हीं गौ वंश की परंपरा यहाँ पर विकसित है, फलित है, और प्रतिदिन प्रातः अभिषेक में, सायं अभिषेक में इन्हीं गौओं के दूध का अभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, दुधेश्वरनाथ महादेव पर किया जाता है। श्री दुधेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में जब हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर के दाहिनी ओर एक यज्ञशाला है। इस यज्ञशाला में ऋषि विश्रवा और उनके पुत्र रावण शिव जी की पूजा करने के बाद यज्ञ करते थे। यहाँ एक विशाल यज्ञशाला है। यज्ञशाला के बगल में खाली जमीन है। मान्यता है कि इस जमीन को भरने की बड़ी कोशिश की गई, यहाँ पे दूसरे मंदिर बनाने की या घर बनाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ ये जगह भरी ही नहीं, अनंत मिट्टी इसमें डाली गई है, लेकिन यह जगह उसी तरीके से रह गई, तो अंत में इसको छोड़ दिया गया। यहाँ पौधे लगा दिए गए हैं।
बगल में गुरुकुल बना दिया गया है, यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, बीच में यज्ञशाला है। कल्पना कीजिए उस समय का जब पुलस्त्य कुल के महाज्ञानी ऋषि विश्रवा और परम शिव भक्त रावण यहाँ पर पूजन करते होंगे, हवन करते होंगे, उस समय का पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ ये यज्ञशाला है। आज भी दुधेश्वरनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद यज्ञ और हवन संबंधित समस्त कार्य यही संपन्न किए जाते हैं। यह देखना दिलचस्प है कि यह यज्ञशाला कितनी नीचे है और इसके कितने ऊंचाई पर ऊपर मंदिर बनी हुई है। इस भूमि को भरने की बहुत कोशिश की गई, अनंत मिट्टी इसमें डाली गई, लेकिन इसको भरा नहीं जा सका और यह यज्ञशाला और इसके आसपास की भूमि आज भी अपने पौराणिक स्वरूप में विद्यमान है। यज्ञशाला से थोड़ी दूर पर वैदिक गुरुकुल है, यहाँ पर देश भर के विद्यार्थी आते हैं, वैदिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, वेद पुराण के बारे में पढ़ाई करते हैं और हमारी सनातन संस्कृति को, परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। दुधेश्वरनाथ मंदिर के प्रांगण में नन्हे बालकों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। इन्हें सभी प्रकार के वेद पुराण, पूजा पाठ की पद्धति आदि की संस्कृत में विशेष शिक्षा दी जाती है। हम देख सकते हैं कि हमारे सामने इतने सारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो अभी संस्कृत में श्लोक पढ़ करके भी सुनाएंगे। ये हमारी परंपरा को जीवित रखने का बहुत अच्छा चलन है। बच्चों सुनाइए आप लोग कुछ। परंपरा यही रही है, ऋषि मुनियों की तपस्या की, संस्कृत के वेद श्लोकों के मंत्र पाठ की और इन नन्हे नन्हे बालकों के मुख से संस्कृत के मंत्र इतने तीव्र गति से सुनकर ऐसा लगता है कि हमारी सनातन संस्कृति युगों युगों तक यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमुह्यते। बहुत सुंदर, नन्हे नन्हे बालकों के मुख से संस्कृत की धारा प्रवाह श्लोक को सुनकर ऐसा लगता है जैसे ऋषि मुनि आज भी इसी तपस्थली पर जीवित हैं, हम सबके बीच में हैं। आज हमारे साथ दुधेश्वरनाथ मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी जी हैं। श्री नारायण गिरी जी हमें बताएंगे कि दुधेश्वरनाथ मंदिर की क्या महिमा है, क्या पूजा पद्धति है, क्या इतिहास है। आइए बात करते हैं श्री नारायण गिरी महाराज जी। ये दुधेश्वरनाथ बहुत प्राचीन मठ है। रावण के पिता विश्वसरवा ने इस शिवलिंग को स्थापना किया था। इसमें बोलते हैं कि तीनों का फल प्राप्त होता है, कि ऋषि लिंग भी बोलते हैं कि संत महात्मा पूजा करते हैं और मनुष्य द्वारा पूजन होता है और ऋषियों का द्वारा स्थापित है, तो इसीलिए तीन प्रकार का जो ऋषि लिंग और अपना जो है संतों का और मनुष्य द्वारा, तो तीन प्रकारों का पूजन का विशेष यहाँ पर जो है फल की प्राप्ति होती है। रावण ने पहला शिष्य जो है भगवान दुधेश गुरु यहीं पर समर्पित किया था। ये जो है प्राचीन काल में बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत जब स्थापना किया था रावण के जो पिता है उसका नाम था विश्वसरवा, विश्वसरवा ऋषि ने इसको स्थापना किया था और उसके बाद में कालांतर में इसमें टीला बन गया, तो बोले यहाँ पर ये पूरा जो गाजियाबाद है तो ज़्यादातर कैला भूमि में बिछा हुआ है। यहाँ पर हरनंदी, जो हरनंदी ये भी ब्रह्मा जी की पुत्री है, हरनंदी के किनारे जो है ये छोटा कैलाश, जो कैलाश है छोटा कैलाश के रूप में यहाँ पर जो है भगवान दुधेश्वर विराजमान है। तो प्राचीन काल में बोले यहाँ पर एक गाय आती और गाय का दूध स्वतः ही यहाँ पर निकल जाता, तो सब गांव वाले बोलने लगे भाई इसी जगह पर क्यों गिरता है, तो लोगों ने आकर फिर यहाँ पर खुदाई किया तो स्वयंभू शिवलिंग जो है ये दुधेश्वर
ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव जो है वो ईश्वर का रूप है, तो जैसे नागों से प्रसन्न होने वाला नागेश्वर, राम से प्रसन्न होने वाला रामेश्वर, तो ये दूध से प्रसन्न होने वाला ईश्वर दूधेश्वर, तो ये दूधेश्वर नाम पड़ा। और यहाँ पर जो है पाँच सौ साल से भी ऊपर हमारा हो गया है, 500 जो है 66 वर्ष करीब जो है आसपास, और ये 65वां वर्ष में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में मेरे से पहले 15 महंत हुए। सबसे पहले महंत वेणुगिरी जी महाराज थे, और अभी जो है अभी वर्तमान में मैं महंत हुए महंत नारायणगिरी। तो ये श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ पर महंत है। बहुत सी यहाँ पर जीवित समाधि भी है, वो भी संत लोग आसपास गाँवों में दर्शन देते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत एक प्राचीन कुआ है जिसमें जो है 3 प्रकार का जल को उसमें परिवर्तन होता था, और उस समय की प्राचीन समय की जो गाय थी उसका परिवार भी अभी है, तो उसका भी प्रतिदिन सुबह रे यहाँ पर दूध अभिषेक जो है भगवान के दूध का अभिषेक होता है। तो ये प्रातःकाल ही 3 बजे से ही लोगों का दर्शन जो है लगा रहता है। विशेष रूप से यहाँ का जो पूजन की विधि है 40 दिन का लोग पूजा करते हैं, 40 दिन का मानता होते हैं कि भाई पूरा परिवार का संकल्प लेकर, कोई माता लोग भी आती है, कोई बहन लोग भी आती है, तो अपना 16 सोमवार का भी व्रत रखते हैं, तो उनका पूरा जो है अपना मनोकामना पूर्ण होती है। तो ऐसे ही 40 दिन का यहाँ पर आके शाम को दीपक जलाते हैं, कुछ लोग जल वगैरह दूध वगैरह चढ़ाते हैं। तो ये बोलते हैं कि सर्व सुगंध लेपित लिंगम पंकजार शोभित लिंगम, तो सब प्रकारों को भगवान का जो है वो अपना प्रसन्न करते हैं। तो दूधेश्वर पूरा विश्व में जो है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत ही इसका मान्यता प्राप्त है, और भगवान जो है यहाँ पर पूरा भारत से नहीं पूरा विश्व से भी लोग यहाँ विशेष रूप से आते हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रीपंत दशनाम जूना अखाड़ा भी है, और दूधेश्वर पीठ भी अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि नेपाल वगैरह के दूसरे देशों से भी हमारे बच्चे जो या विद्यार्थी पढ़ने लोग आते हैं। तो वेद विद्यापीठ जो है वो भारत सरकार का उपक्रम है, जिसमें जो राष्ट्रीय संदीपन वेद विद्या प्रतिष्ठान दूधेश्वर पीठ है यहाँ पर, जिसमें जो है दूधेश्वर विद्यापीठ के द्वारा जो है यहाँ जो वेद की शिक्षा जो है बच्चे ग्रहण करते हैं। जी महंत जी, हमें एक और जानकारी दीजिए, बहुत सारे शिव भक्त हैं जैसे आपने बताया 40 दिन तक लगातार संकल्प लेके पूजन करते हैं, तो दूर दराज के ऑफिस जाने वाले जो हैं जो शिव भक्त हैं वे कैसे कम समय में यहाँ आए, और मतलब शिव जी की विशेष कृपा उन्हें कैसे प्राप्त हो सकती है? जो लोग लगातार 40 दिन नहीं आ सकते हैं वो कैसी पूजा करें कि उन्हें दूधेश्वर नाथ महादेव की कृपा प्राप्त हो, मनोकामना पूर्ण हो? जी, ये ऐसा है कि बहुत लोग जो है अपना दिल्ली NCR वगैरह से भी यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई कोई वो स्वयं व्यक्ति नहीं आ सकते हैं, तो उनका कोई परिवार का सदस्य भी आके उनका नाम से पूजा कर सकते हैं। और एक होता है कि रात्रि समय में 11 बजे तक भी हम लोग, जैसे आप इसमें दिल्ली लेट होता है कभी ट्रैफिक वगैरह है, तो हमारा मंदिर जो 11:30 बजे तक खुला रहता है, तो लोग लेट में भी आके काफ़ी संख्या में पूजा करते हैं। तो व्यक्ति के मन में एक भगवान के प्रति जो पूर्ण समर्पण जो है भाव होता है, और एक दृढ़ संकल्प होता है, तो संकल्प की सिद्धि होती है। तो निश्चित रूप से जो भी संकल्प लेता है कि भाई 40 दिन पूजा करना है, तो उनका भगवान पूर्ण करता है। कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो उस स्थिति में जो है अपने परिवार का कोई सदस्य जो है उनको भेज के भी वो पूजा करवा सकते हैं। भगवान जो है वो हमेशा से दूधेश्वर जो भी पूजा करते हैं उनके ऊपर जो है तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। जी मान जी, आपने बताया तत्काल प्रसन्न होते हैं दूधेश्वर नाथ महादेव, यही कारण है कि शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ भारी भीड़ होती है। तो शिवरात्रि में या सावन के महीने में कोई विशेष पूजा पद्धति रुद्राभिषेक आदि कराया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें हमारे दर्शकों को। हमारे दूधेश्वर मंदिर का ये है कि प्रातःकाल रोज यहाँ पर 4 बजे जो विद्यार्थी है तो प्रतिदिन यहाँ भगवान का श्रृंगार होता है, और भगवान का नमक चमक से और भी अपना 16 उपचार से पंच उपचार से कई प्रकार का भगवान राज उपचार से सब प्रकार का अभिषेक होता है। और प्रतिदिन कोई भी पूरा भारत से लोग बुकिंग वगैरह करते रहते हैं। जब महाशिवरात्रि होती है, जैसे सावन के महीने में कांवड़ियाँ लाखों कांवड़ियाँ यहाँ पर आके कांवड़ जल चढ़ाते हैं, उस समय में हमारा करीब 8 पैर का पूजन होता है, 8 बार अभिषेक वगैरह भगवान का होता है। और भी जो फागुन की शिवरात्रि होती है महाशिवरात्रि, तो उस अवसर पर भी जो है बहुत लगातार जो है अभिषेक वगैरह भगवान का करते हैं। और ऐसे भी आम दिन में भी जो है यहाँ पर जो प्रातःकाल सुबह भगवान जो भक्त लोग आते हैं, तो 1 बजे मंदिर जो बंद होता है तो 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में बहुत लोग अभिषेक करवाते हैं। और बहुत से लोग रात्रि के काल में, जैसे भगवान शिव बोलते हैं कि भाई उनकी रात्रि होती है तो रात्रि प्रिय है शिव को, तो रात्रि काल में भी लोग 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक यहाँ अभिषेक करते हैं। और बहुत से प्रकारों का अभिषेक वगैरह यहाँ बुकिंग वगैरह भी होता है, लोग करते हैं, अपना भी सामान ले आते हैं। हमारे आचार्य निरंतर जो है यहाँ पूजन और अभिषेक जो है यहाँ प्रारंभ रहता है, और वहाँ पर कभी भी कोई भी भगत जो अपना करवाना चाहता है तो वो आके यहाँ करवा सकता है। महंत जी, आपने बताया कि बुकिंग करा सकते हैं, तो क्या ये बुकिंग फ़ोन पे करा सकते हैं?
ये बुकिंग ऐसा होता है कि अपना कोई कार्यालय में आके या फ़ोन से भी बोल सकते हैं, और फिर हमारा दूधेश्वर वेबसाइट वगैरह भी है, तो वहाँ भी वो अपने हिसाब से जो है कोई भी नंबर वगैरह पड़े हुए हैं नेट वगैरह में, तो नंबर लेके संपर्क करके यहाँ पर वो बुकिंग करवा सकता है। और वो जो भी उनका भावना श्रद्धा है, वो दक्षिणा दान दक्षिणा के रूप में कोई निश्चित नहीं है भाई देना, ऐसा जो भी श्रद्धा भावना से देंगे उसको हम लोग ले लेते हैं। मान जी, आज मैं देख रही हूँ कि मंदिर की विशेष सजावट है, ऐसा तो प्रतिदिन श्रृंगार और आरती की जाती है, पर आज ऐसा बोला जा रहा है कि आज प्राकट्य दिवस है दूधेश्वरनाथ महादेव का, तो प्राकट्य दिवस की क्या विशेष बात है इसके बारे में जरा बताइए। ये जो है देखिए कि बहुत प्राचीन समय तो भगवान शिव जो है दूधेश्वर के रूप में रावण के पिता विश्वसरवा ने यहाँ स्थापित किया था। उसके बाद में जब यहाँ लुप्त हो गया था और टीला बन गया था, तो जब खुदाई हुआ तो गाय का जो दूध यहाँ पर गिरा तो उससे प्रसन्न हुए दूधेश्वर जो है प्रकट हुए। तो वो जो तिथि थी, वो तारीख जो थी, वो 1400 जो है 54 के आसपास में भगवान को यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो उसको जो है 567 वर्ष हो गए, तो 567 वर्ष के बाद में जो है ये जो अभी आज जो है हमारा जो है भगवान का प्रकट के उत्सव के रूप में दूधेश्वर महोत्सव के रूप में हम लोग हर वर्ष जो है मनाते हैं। कि जो हमारी महंत परंपरा है, जो महंत जितने भी यहाँ पर जो 16 महंत हुए उनकी परंपराओं के हिसाब से 500 जो है 564 इस वर्ष हो गया है, इसको 66 वर्ष हो गया है, 567 वर्ष ये जो महंत परंपरा है उस हिसाब से उसकी गणना करते हैं। नहीं, ये मंदिर तो बहुत प्राचीन जो है वो त्रेता युग सतयुग पूरा युगों युगों से भी भगवान का इनका विशेष रूप से यहाँ पर पूजा होता रहता है। एक और सवाल, मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ के महंत की समाधि है, कई महंत की समाधि है, तो इसके विषय में जरा बताएंगे। ये सारे शिव भक्त रहे हैं और शिव जी के बगल में ही इनको स्थान दिया गया है, और 564 वर्ष से लगातार ये महंत परंपरा जारी रह गई है, तो महंत जी और शिव जी के बीच में ऐसा क्या विशेष कनेक्शन है? ये देखिए कि भगवान शंकर का बोलते हैं शिव का बोले वास या तो कैलाश में होता है या शमशान में होता है। तो शमशान कौन सा होना, पवित्र शमशान। जैसे यहाँ जो है हमारी श्रीपंत दशनम जूना अखाड़े की परंपराओं में जितने भी महंत लोग हुए हैं, उन महंतों को क्या है कि जलाया नहीं जाता, हम लोगों को समाधि दी जाता है, भूमि समाधि, भू समाधि दी जाती है ज़मीन के अंदर में। तो यहाँ जितनी भी आप समाधि है तो वो संतों का समाधि है, कुछ संत लोगों ने जीवित समाधि ली है। तो ये समाधि में भगवान के बहुत से ऐसे जो जीवित समाधि होते हैं वो क्या है कि शिव के गण बन जाते हैं। तो शिव के गण बनने के बाद वो शरीर पूरा होने के बाद भी उनको सूक्ष्म रूप से उनकी जो शक्ति है दिव्य शक्ति, वो दिव्य शक्ति जो भी भगवान शिव के जो गण है और जो सेवा करने वाले हैं उनको कोई भी जब इनका पूजा करते हैं पाठ करते हैं तो भगवान तो समाधि में स्थित रहते हैं। वो किसी को ना आशीर्वाद देते हैं ना वरदान देते हैं ना कोई श्राप देते हैं। तो जो उनके गण है, जो जैसे मान लीजिए कि सिद्ध समाधि वाले, वो गण के रूप में अभी रात के समय भी बहुत से संत लोग जटा के रूप में दर्शन यहाँ पर लोगों को देते हैं। तो वो जो है गण जो बन चुके हैं शिव के गण, वो विशेष रूप से उनको जो दर्शन देते हैं, और ये जो है दिव्य रूप से हमेशा से वो यहीं पर स्थित है। तो समाधि जितने भी हमारे हुए तो उनको हमारे भाषा में बोला भी जाता है, जैसे कोई हिंदुओं में कोई शरीर पूरा हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्वर्गवासी, हम लोग बोलते हैं कैलाशवासी। मतलब यहाँ शिव के शरीर छोड़ने के बाद वो शिव में विलीन हो गया है, तो उसके बाद में उसको शिव स्वरूप मानकर उसकी जो समाधि है उसके ऊपर पिंडी रखते हैं, वो भी शिव स्वरूप है, तो शिव में विलीन हो गया। तो हमारा ऐसा शास्त्रों में पुराणों में भी कहना है कि शिव का वास या शमशान में और कैलाश में, तो कैलाश कैसा होना चाहिए, पवित्र। तो यहाँ पर जो है शमशान के पवित्र शमशान है उनके साथ ही एकदम मंदिर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो ये परंपरा से जो है यहीं पर समाधि दी जाती है, तो बहुत सी समाधियों को भी प्रतिदिन पूजा और पाठ इनका होता है और उनके दिए वगैरह जलाते हैं। तो महंत जी, आपकी आपका कहना है कि जो भी यहाँ पे शिव जी के भक्त आते हैं दूधेश्वर नाथ महादेव का पूजा पाठ करने के बाद, सभी महंत की जो वहाँ पे समाधि है वहाँ भी उनको प्रणाम करना चाहिए श्रद्धा से, क्योंकि वो भी शिव समान हो गए। हाँ, ये विशेष रूप से जितने भी हमारा महंत है तो यहाँ पर करीब 15 महंतों की समाधि है, और वो महंत के साथ में कुछ सिद्ध संत भी हो गए, तो ऐसे भी 10-11 संतों की जो और भी समाधियाँ हैं, तो यहाँ पर 25 समाधियों के आसपास है। तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि भगवान शिव का जो भी महंत होता है, महंत का मतलब है कि भाई सचिव, जो भगवान शिव का जो है जो मंत्र उच्चारण है पाठ है कौन सा पूजा पाठ करवानी है कोई बताते हैं, तो उसका विलीन होने के बाद उनका ध्यान शिव में होता है तो वो शिव में विलीन हो जाते हैं। तो इसलिए वो शिव स्वरूप बन के जितने भी भगत लोग आते हैं भगवान को भी जल चढ़ाते हैं, उनका भी पूजा करते हैं, उसे करते हैं। तो जो भी प्रत्येक भगत आता है वो सभी लोग इसका पूजा करते हैं। और यहाँ पे दूधेश्वरनाथ में कोई ऐसा विशेष वस्तु है जो शिव जी दूधेश्वर महादेव पर अर्पण करने से मनोकामना पूर्ण होती है या शिव जी विशेष प्रसन्न होते हैं? देखिए कि सबसे बड़ा चीज़ है कि भगवान का प्रति जो है शिव जो भोले हैं उनके प्रति शिव जो भाव रखना और जो समर्पण भाव रखते हैं, इनको बोलते हैं कि जैसे जल मूर्ति, न वो उनका एक नाम जल मूर्ति भी है,
तो जल से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव को केवल भाव, भक्ति और समर्पण चाहिए, तो जिसके अंदर में श्रद्धा है, भाव है, भक्ति है, तो उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे भी विशेष रूप से जो भी इनका पूजा का विधान है कि लोग कई भी प्रकार का पूजा करते हैं और भगवान को बोलते भी है कि भाई जो शिवलिंग है कि सर्व सुगंध लेपित लिंगम पंकजा शोभित लिंगम संचित पाप विनाशित लिंगम तत्प्रणाम सदा शिवलिंगम, तो जन्म जन्मों के पापों को विनाश करने वाले वो लिंग रूप में दुधेश्वर नाथ महादेव यहाँ पर विराजमान है। और गौशाला है यहाँ पर, गुरुकुल है, बच्चों को वैदिक शिक्षा दी जा रही है, तो इन सब का संचालन कैसे हो पाता होगा? मंदिर में हर दिन पूजा आरती विशेष भोग लगाया जाता है, साथ में गौशाला में गौओं के भी पालन की जाती है, यहाँ पर वैदिक शिक्षा पाने वाले इतने विद्यार्थी भी हैं, तो इन सब का पालन कैसे होगा? हमारे यहाँ पर क्या है कि दुधेश्वर मंदिर में करीब 200 लोग हमेशा रहते हैं, तो अलग अलग समिति बनी हुआ है, उसके सिंगार समिति अलग है, मंदिर दुधेश्वर विद्यापीठ का समिति अलग है, तो सभी लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था बनाई हुई है। और मुख्य रूप से महंत का ही प्रबंध होता है, महंत जो है वो एक तरह से मैनेजर है, प्रबंधक है, महंत का ज़्यादा मेहनत करने वाला है, तो वो सब व्यवस्था में रहते हैं। 200 लोग करीब आसपास हम लोग के आसपास में यहाँ पर हम लोग रहते हैं और यहाँ विशेष रूप से उनका जो है प्रभाव रहता है। और यहाँ पर गौशाला का भी अलग से व्यवस्था है, तो ऐसे ही जितना पाठशाला वगैरह है उसका भी अलग समिति बनी हुई है, तो यहाँ 4-5 समितियाँ अलग अलग है, वो सभी लोग संचालन करते हैं। और गाजियाबाद का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है और धर्मपाल गर्ग जी हमारे दुधेश्वर मंदिर के विकास समिति के अध्यक्ष है, वो पूर्ण रूप से जितने भी इनके आर्थिक स्थिति वगैरह है और भी जो चीज़ें हैं वो सब संचालन जो है हमारे बाज में वो व्यवस्थित करते हैं जी। महंत जी ने हमें मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, हमारे बहुत सारे दर्शकों को और देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं, शिव भक्त हैं, उनको इसके बारे में इतनी विशेष जानकारी नहीं होगी। हम महंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करते हैं कि दुधेश्वर नाथ महादेव का इतिहास भी बताया, वर्तमान भी बताया और भविष्य के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। ये लाइव 24 क्योंकि हमारा जीवन में लाइफ है, तो अगर आपके डेड हो गया तो ख़त्म हो गया आदमी, जब तक लाइफ है तो आपका तो लाइव, इसका चैनल का नाम भी लाइव लैन है, तो जीवन में अपना लाइफ सही रहेगी, व्यवस्थित रहेगी, तो सबको आनंद मिलेगा। और सभी जितने भी आपके देखने वाले दर्शक हैं उनको सबको शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। और आपका चैनल जो है सबकी जीवन जो है वो जो भी अव्यवस्थित जीवन है उनको भी लाइव जीवन कर दे। हर हर महादेव, जय हो। भावन भोलेनाथ की महिमा ऐसे ही निराली है। भगवान शिव ने कभी अपने भक्तों में भेद नहीं किया। जब विष्णु भगवान तपस्या करते हैं तो शिवजी सहस ही अपना चक्र दे देते हैं, जब परशुराम जी तपस्या करते हैं तो शिवजी उन्हें अपना धनुष दे देते हैं, और जब माता पार्वती तपस्या करती हैं तो शिवजी स्वयं को ही माता पार्वती को दे डालते हैं। हम और आप जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से शिवजी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, शिवजी हमें अवश्य हमारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दुधेश्वर नाथ की महिमा को आज हमने जाना है और हमने ये जान लिया कि किस प्रकार ऋषि विश्रवा ने यहाँ तपस्या की और मंदिर की स्थापना की, और स्वयं रावण ने भी यहाँ दुर्लभ तप करके शिवजी को प्रसन्न किया है और अनेक विद्याएं सीखी हैं। आज भी अनेकों अनेक मनुष्य देश विदेश से शिवभक्त यहाँ पर आते हैं, शिवजी के मंदिर में हाजिरी लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दुधेश्वर महाराज की जय। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शीतल विश्वकर्मा, लाइव 24।